योगी कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है और जिस तरीके से माना जा रहा था कि मिर्जापुर क्षेत्र से भी किसी न किसी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो मिर्जापुर क्षेत्र से कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले रमाशंकर सिंह पटेल जी को भी मंत्री पद का कहीं ना कहीं दर्जा मिला है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहले तो बहुत बहुत R9 TV की तरफ से आपको बधाई, और जिस तरीके से आपको आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल अपने आप में जो है उनकी पार्टी काफ़ी वो रहती है और केंद्र में वो मंत्री भी रही, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली है। आप उस क्षेत्र से आते हैं, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिस तरीके से मंत्रिमंडल में अपने जगह दी है, तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको आपकी और जिस तरीके से विधायकी में आपने अपना वैसे भी मुकाम हासिल किया है? देखिए, मैं सभी सम्मानित मीडिया वालों को पहले बधाई देता हूं और मैं अपने मुख्यमंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, और जो पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास और देश का भविष्य का जो सरकार ने चिंता की है और हम लोगों पर विश्वास जताए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का एक दायित्व तो कर्तव्य है, हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास में ईमानदारी से सहभागिता करें और सरकार का साथ देकर के ईमानदारी से काम करें जिससे उत्तर प्रदेश की आम जनता को लाभ मिले। तो बिल्कुल, ये थे नवनिर्वाचित मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, जो कि मिर्जापुर क्षेत्र से आते हैं, जो कि वहाँ से देखा गया है कि इस 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो इनकी साफ तौर पर जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कटिबद्ध भी हैं और साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना विश्वास जमाया उसमें पूरी तरीके से खरे उतरेंगे और जो काम करेगा वो सरकार में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ राजेश सोनी, R9 TV, लखनऊ।